गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आज आपको पता है कि आज है 16 तारीख, 16 तारीख यानी बाबू का है नामकरण। तो पंडित जी आगे कुछ देर में पूजा करेंगे, वैसे कोई बड़ा फंक्शन है नहीं, नॉर्मल पूजा पाठ का ही फंक्शन है। और जो क्योंकि फंक्शन हमें करना है बड़ा, तो हम लोग करेंगे एक साल बाद। आज तो केवल हम कर रहे हैं पूजा पाठ। क्या करते हैं, बाबू कहाँ है? एक मिनट, बाबू मुझसे पहले नहा धो के हो गया है रेडी। बाबू बाबू देखो भाई, ये नहा धो के तैयार है। बाबू की मम्मी थोड़ी देर में नहा धो के आ जाएंगी। हो गया हूँ नहा धो के तैयार, आपने देखा ही होगा घर में सब लोग भी नहा धो के तैयार हैं, रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। जिया जी आ गए हैं, सबसे बड़े वाले जिया जी हमारे। जय हाय बोल दो सबको। तो मम्मी देखो, मम्मी नहा धो के तैयार एकदम। मम्मी क्या कर रही हो? बहुत अच्छा लगा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। वैसे तो सबके साथ करना चाहिए, पर सब आज बहुत बिजी हैं क्योंकि आज है हमारे घर में बाबू के नामकरण की पूजा। और बाबू नहा धो के मस्त सो रहे हैं, और अब मैं पहनूंगी चूड़ियाँ। दीदी मुझे चूड़ी पहनाने आई है, रेड और ग्रीन चूड़ी। मुझे बहुत शौक है वैसे उन वाली चूड़ियों का, सबकी देख के मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज फाइनली मेरा नंबर आ गया है। अब हम पहले चूड़ी पहनते हैं, वो दिखाना दीदी जो पहनाएंगी। दीदी मावर आज पूरा सोने श्रृंगार होगा ना ऐसे तो का, चूड़ियाँ पहन लेते हैं, उसके बाद फिर जब मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी अपना, धीरे धीरे सारी चीज़ दिखाती रहूंगी। लाओ हमारी चूड़ियाँ पहना। मम्मी तैयार है? अरे चूड़ी थी ना, कैसे चूड़ी छूनी है क्या छूना? चूड़े मतलब ऐसे, मतलब ऐसे करके पूछ लो। अच्छा अभी मम्मी के पैसे तो बदले आराम से सोलूशन से आराम से चलो। चूड़ी पहन चुकी है और महावर भी लग गई है, दीदी लगा रही है, लड्डू तैयार बैठी है लगवाने के लिए। अभी लड्डू लगवाओगी है? क्या लगवाओगी? क्या अभी मैं पैर छूने गई ना चूड़ी पहन के, तो अपने पैर ही रख दिया आगे, मेरे पैर छू दो चूड़ी। अभी अभी पहनाएंगे चूड़ी। पहनोगी साड़ी भी? पहनोगी साड़ी? पहनोगी साड़ी? शादी करोगे? शादी? अब ये हो रहा है लड्डू का मेकअप। दिखाता हूँ बाबू क्या कर रहा होगा। बाबू की मम्मी एकदम, मम्मी क्या, बाबू की मम्मी मतलब मम्मी, बाबू की मम्मी तैयार हो रही है। बाबू सो रहे हैं, जाओ तुम। कॉल आ रही है, बाबू सो के उठ जा। ये गाइस सोती रहती है, आपको पता है, ये उठ ही नहीं रही है। तो गाइस पंडित जी आ चुके हैं, पंडित जी यानी कि हमारे भैया हैं। भैया राधे राधे बोल सकते हैं एक बार। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज आकाश जी की पुत्री का नामकरण संस्कार है, तो इसमें पूजन होगा, आप सभी इसमें सम्मिलित होंगे। बिल्कुल, बाबू की मम्मी और बाबू दोनों तैयार हो चुके हैं। पहले बाबू को दिखाऊंगा मैं भी। ये उठती नहीं है बस, सही है, पूजा उठनी भी नहीं चाहिए अभी। और अब हम जा रहे हैं पूजा में, पूजा के लिए। अभी पापा ने पूजा स्टार्ट कर दिया। आए अरे पापा बुला रहे हैं। महाकाली नमः, महाकाली मां पुनादो। ॐ महासरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै मां पुनादो। अस्तु प्रचालय ॐ ऋषिकेशाय नमः। अस्तु प्रचालय ॐ वैष्णव्यै नमः। कन्यामुखो प्रजापतिश्चिते ॐ केमिश्राय वशद। ॐ चामुण्डाय कपजाय नमः। ॐ विच्चे नेत्राय वशद। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विचिरवस्त्राय बलशिखावन्दनम्। हरिः ॐ महास्तौ कैतनये भानवायुभिमानो।
बहुमानो असेनुरीरिका मानो वीरानुप्रभामिनो मदीने विश्वन्ताः शत्रुत्वा हवामहेशिकान्द्रान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य स्वस्तिकृतं विधाय यजमानस्तद्वापराधिताजुप्याधाकरेश्वलोकशैकदन्तक्षकपिलोकदिकरः भोगं समर्पयामि गौरीगणेशाय नमः ओमकार देवताभ्यो नमः भोगं समर्पयामि श्री उम्र के साथ साथ समझे उम्र के साथ साथ ना बड़े है बाल बच्चों को देखते हुए और सूर्य क्या दिखाता है दुनिया में कहीं भी चले जाओ सूर्य को दिखाई दे दुनिया में इसका नाम होगा उठोगे सूर्य के दर्शन करवा करी सूर्य दर्शन है आ जाना घर की छोड़ो वो ब्रह्म जी गाना सोचो ये ना वैष्णव दुनिया निर्वेश में सत्य योनि में सत्य विवाह स्वाहा ओ गाइस इस रस्म में क्या होता है कि बाबू को ना 5 बार गोद परिवर्तन की जाती है उसकी बुआ की गोद में मौसी की गोद में फिर से बुआ की गोद में और इस तरीके से बाबू पूरी मौज ले रही है अब मामा की गोद में आ गई है और खाने का पूजन बढ़िया उत्पादित है ना बढ़िया अति उत्तम एकदम बहुत स्वादिष्ट ये हमारी भाभी जी हैं ये हमारे घर में सबसे इनको पता ना क्या कुपोषण की बीमारी लग गई है इतनी कमजोर कैसे हो रही है भाभी ये देखिए गाइस बिल्कुल भाभी देखो तुम डांस तो करती हो ये लग गए ये हमारी भाभी हैं बड़े भैया की वाइफ है मौसा जी के लड़के हैं हमारे और ये लड्डू सो गई अरे वीडियो देखे तू तो पाकिस्तान बच्चा है किसके सामने एक गुड़िया तो तगड़ी है गुड़िया तो दू नहीं अच्छा जो कर नाच है ये गाइस ये इनको पहचानो ये कौन है ये अरुण जी हैं वैसे तो मैंने खुद ही बता दिया लेकिन ये अपनी भाभी से होली खेलने आए थे आप कुछ बोलोगे नहीं
ये पिल्ला पिल्ला पालते हैं, छोटे छोटे पिल्ले पिल्ला पालूंगी इनके, पिल्ला पालूंगा जरूर। तो गाइस मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन और कराता हूँ। ये हैं हमारी मौसी जी और ताई जी दोनों। अरे चुप हो जाओ भैया, इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो ये हमारी ताई जी भी हैं, मौसी जी भी हैं, और आज ये बनी है बड़ी दादी। तो मौसी कैसा फील हो रहा है आपको बड़ी दादी बन के? खुशी तो होती है, खुशी है, लेकिन मौसी पे बोला नहीं जा रहा है। ताऊ जी की वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा अभी। खून इसका ना, उसका खून खोल रहा है। हिम्मत है ना सुन, हिम्मत है तो मर्द का हाथ उठा के दिखा, हिम्मत है तो मर्द का हाथ उठा। देखो चश्मा, देखो चश्मा उतारते, चश्मा उतारते दो बार को के बाप ने फैजल की टांग टूट जाएगी। बस इतना सा काम कर दो मेरा, एक पूरा नाप का मारो तो एक साइड भरी हो जाए, बाकी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये चश्मा मतलब आई से ठीक हो जाए, चश्मा चला जाए बस। मामा मामा पर हाथ पे थूक क्यों रहे हो? बोले ये वाली आवाज ना यहाँ जाएगी, पीछे ये आ जाएगी, फिर ऐसे करने की हुई है ये सारी बात पता है, ये इसको पीटने की बात क्यों हुई है? क्योंकि इसने बहुत सारा खाना खाया और इल्जाम मामा के ऊपर लगा रही है। प्रेम कट रहा, कट रहा काटने के कॉम्पिटिशन। स्नेहा स्नेहा, ये इतना सारा खाना खाने के बाद तुझे क्या जरूरत पड़ेगी तो पुनित को काट रही है? ये भी एक गिलास, ये देखो एक गिलास स्प्राइट भी पिए। हाँ और तो क्या, और तो क्या, इसकी प्लेट ये यार, मेरे को भी काटा इसने। सोचो तो ब्लू मेरे डालो ना, तो क्या लगा पीछे अब ये से बैठना है रुपए और मोदी अब कभी तो कहीं मुझे शादी करनी है तेरे साथ, तुम्हारी अजीब बात है, पति बन के ना तुझे भी चली जाती। मैंने देखा नहीं आगे तो रास्ता, ये मोड़ के सीधा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।